तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने है यामा MT-15 मोडिफिकेशन दिखा रहा हूं। इसके अंदर काफ़ी नीडफुल मोडिफिकेशन जो कर दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा, डबल बबल वाइजर। ये है आपका प्रॉपर MT-15 का, ये लुक काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है इसे लगने के बाद। और आप देख सकते हो जो इसमें लगा हुआ था नॉर्मल वो आपका सिंपल से लगा हुआ था, बट ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जो इसमें लगाया है। साथ में वो देखने को मिलेगी इसका विंगलेट जो कि है रेड कलर की, क्योंकि गाड़ी का जो रिम है वो आपके रेड है, ग्राफिक्स हैं वो रेड है, तो इसलिए आपका रेड से मैचिंग कर दिया गया इसके अंदर आपका विंगलेट। इधर आपको देखने में ईयर डक जो कि कहते हैं कान की जाली वो भी इसके अंदर लगा दी गई। इधर भी सेम मिलता है आपको इस तरह, ये गोल्डन कलर का जो कि कलर मैचिंग आपके शॉकर से किया गया है। इधर आपको मिलता है ब्लैक कलर के फॉक्स लैडर जिससे आपके शॉकर सेफ होते हैं, साथ में डिस्प्ले भी होते हैं पूरी तरह से और लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है दोनों तरफ से। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि है आपके MS की लगा दी गई, इसमें ब्लैक एंड रेड आप देख सकते हैं। इससे आपका पूरा रेडिएटर होता है सेफ, क्योंकि रेडिएटर होता है सेंसिटिव पार्ट होता है, जब भी आप राइड करते हैं तो पत्थर वगैरह लग के ना आपका रेडिएटर ख़राब हो जाता है, और रेडिएटर ख़राब हो गया तो आपकी बाइक वहीं पर स्टॉप हो जाएगी ओवरहीट के कारण। तो उस केस में इस रेडिएटर गार्ड इसके अंदर लगा दिए गए जो कि लुक भी एनहांस होगी, साथ में सेफ्टी भी आपकी मिलेगी। इधर आपको देखने मिलेगी इसके अंदर देख सकते हैं, ये इसका मास्टर सिलेंडर कैप जिससे लुक काफ़ी एनहांस हो जाती है, गोल्डन लिया गया ये भी लुक एनहांस करने के लिए। और इसके बाद देखने मिलेगा इसके अंदर क्रैश गार्ड, क्योंकि ये है आपका फुल बॉडी क्रैश गार्ड, ये लगा देगा प्रॉपर फिट में, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। इससे जब भी गाड़ी आपकी गिरती है स्क्रैच वगैरह नहीं लगता आपकी बाइक पर, और आपके पैरों पर भी स्क्रैच ज़रा सा नहीं लगता क्योंकि ये है फुल सेफ्टी वाला। सेम आपको इधर मिलता है, सेम देखने मिलेगा इस तरफ आपको, ये देख सकते हैं, और साथ में लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। नीचे आपको देखने मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट जो कि MT-15 की ब्रांडिंग के साथ है, ये आपकी ब्लैक एंड रेड की जो कि इसमें लगा दी गई है, इससे स्टैंड वगैरह आपका स्टेबल खड़ा हो जाता है इसे लगाने के बाद। और अब आपको दिखाता हूँ बैक साइड में जो कि आपको मिलती है प्रॉपर यामाहा की, ये यामाहा के किसी भी मॉडल के अंदर चाहे वो R15 V3 हो, V2 हो या फिर आपकी हो MT-15, और जो कंपनी वाले इंडिकेटर है ना वही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ क्या होता है आप कोई और लगवाते हैं फैंसी तो उसके अंदर आपको इंडिकेटर चेंज कराने पड़ता है, जैसे कि दिखाता हूँ, आइए इधर आइए, ये देखिए, ये आपको देखने मिल रही है ना टेल टेडी, तो इस टेल टेडी को अगर लगाते हैं तो ये इंडिकेटर चेंज करने पड़ते ही पड़ते हैं, तो इसलिए हमने इसमें लगाए वही वाले, क्योंकि यामा MT-15 के अंदर क्या होता है इंडिकेटर यही वाले कंपनी दे रही है आजकल LED वाले, तो इसमें LED की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर जनरल LED लगा दी गई है। अब नंबर प्लेट आई नहीं, इसी नंबर प्लेट आई तो वो भी इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगी। और बैक साइड में देखने मिलेगा आपका रियर फुटरेस्ट, एक इस तरफ MT-15 की ब्रांडिंग है, सेम आपको मिलेगा इधर, इससे आपका प्लेन राइडर होता है पूरे तरीके से सेफ, फुल्ली सेफ हो जाता है, क्योंकि जब प्लेन राइडर बैठता है तो आप राइड करते हैं काफ़ी छोटे फोटो में फिसलने का खतरा होता है, तो उस केस में ये लगा दिया गया है। साथ में इसमें देखने मिलेगी इसमें लैमिनेशन जो कि मिलती है आपको मैट कलर की, क्योंकि मैट गाड़ी है इस पर मैट ही पता नहीं लगेगी कि की है नहीं की गई है, क्योंकि हम जो काम करते हैं प्रॉपर करते हैं। आप देख सकते हैं फिनिशिंग आपको अल्टीमेट देखने मिलेगी, चाहे आपका इधर हो, चाहे मरगार्ड हो, चाहे आपको बैक साइड की, कहीं पर भी देख सकते हैं आप, जज कर ही नहीं सकते किया है या नहीं किया है। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा है और कहाँ से आया, तो आइए सर, कैसे आए तुसी और कितों तो आए हो तुसी? भैया शाहदरा से आए हैं, साढ़े नाल है, साढ़े पड़ोसी है। भैया का YouTube चैनल देख के आया हूँ और काम जो अभी तक हुआ है पूरा सेटिस्फाइड हूँ, और उन बाइकर भाइयों से यही कहूँगा कि जिनको बाइक का शौक़ है, एसेसरीज़ का शौक़ है, वो प्लीज़ भैया के शोरूम आए और अपनी मनपसंद चीज़ें जो जो आपको लगता है कि लगवानी है बाइक में, नीट एंड क्लीन काम होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन रिव्यू, आपने देख लिया भैया का, और आए हो आपको समझ आ चुका आपको आना कहाँ है आपको ये पता है आपको, फिर भी बता देता हूँ आपको ना हनुमान जी की मूर्ति जो कि मिलता है आपको जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, जो कि बहुत बड़ी मूर्ति है, उससे जैसे अंदर मार्केट से कट लेंगे तो मेन रोड पर एक और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, वो मिलेगी मेरे बोर्ड पर जो कि है राजू भाई की शॉप आपके अपने, तो जब भी आना आपको यहीं आना, बाकी कहीं जाना नहीं है। बैक साइड में 36 मिल गया और फ्रंट मिलेगा आपको आर्य समाज रोड। तो वीडियो चले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई SKD को मिलते हैं फिर से, गुड बाय।